हेलो एवरीवन, आज मैं थोड़े नाल शेयर करूंगी स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी जिहड़ी कि बच्चों नूं बहुत ही पसंद आने वाली है। स्पेनिश ऑमलेट बनाने लई मैं दो प्याज ले, एक आलू ले। आलू नूं आपां इस तरह थोड़ा ब्रेक ब्रेक कट लैणा। एक पैन च आपां ऑयल पावांगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं, हुण आपां इस विच अपने आलू फ्राई करांगे। मीडियम फ्लेम ते 2-3 मिनट लई आपां आलूआं नूं पकावांगे। 3 मिनट हो चुके हैं आलूआं नूं फ्राई हुंदे नूं, हुण आपां इस विच प्याज ऐड करांगे। मीडियम फ्लेम ते हुण इन्हां दोनां नूं फ्राई करांगे। अद्धा चम्मच इस विच नमक ऐड करांगे। आलू ते प्याज नूं कवर करके हुण आपां 7-8 मिनट लई पकावांगे। फ्लेम आपां अपनी लो ते रखणी। 7-8 मिनट हो चुके ने सब्जी कुक हुंदे, सब्जी अपनी कुक हो चुकी है। हुण आपां एक प्लेट विच कढ के इस नूं ठंडी करांगे। इस सब्जी नूं आपां ठंडी कर लैणा। एक बाउल च आपां 3 अंडे तोड़ांगे। अद्धा चम्मच इस विच नमक ऐड करांगे। नमक आपां पहला सब्जी विच भी पा चुके, इसलिए घट ही पावांगे। 1/4 स्पून इस विच काली मिर्च ऐड करांगे। अच्छी तरह अंडिआं नूं फेंटांगे। अंडे अपने अच्छी तरह बीट हो चुके, हुण आपां इस विच धनिया ऐड करांगे। इस विच अपनी सब्जी ऐड करांगे, आलू ते प्याज जो आपां फ्राई कीते ने उदों ही ऐड करने ने जदों बिल्कुल ठंडे हो जाण। स्पेनिश ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो चुके। आपां ऑमलेट रेडी करांगे। पैन विच ऑयल पावांगे। इस नूं अच्छी तरह ऑयल नूं फैला लवांगे। लो फ्लेम ते आपां अपने ऑमलेट दा अद्धा मिक्सचर पा लैणा। बाकी मिक्सचर आपां बाद विच यूज करांगे। अद्धा मिक्सचर पा के आपां फैला लिया, हुण आपां इस उपर चीज स्प्रेड करांगे। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਚੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਕਸਚਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਮਲੇਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ चीज के उपर स्प्रेड कर लेना। हुण आपां इसनूं कवर करके लो फ्लेम ते 5-6 मिनट लई पकावांगे। 5 मिनट हो चुके हैं, एक साइड तो अपना ऑमलेट पक चुके है, हुण आपां दूजी साइड पकावांगे। हुण आपां इस दे उपर प्लेट रखांगे, इस दी साइड चेंज करांगे। हुण आपां इस नूं लो फ्लेम ते कवर करके 2-3 मिनट लई पकावांगे। ऑमलेट अपना रेडी हो चुके है, हुण आपां इस नूं प्लेट विच ट्रांसफर करांगे। अपना मज़ेदार ऑमलेट रेडी हो चुके है, हुण आपां इस नूं कट के देख लेते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰੈਂਡਸ, ਰੈਸਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।